असल सर वेलकम टू माय चैनल मैथामेटिक्स तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.8 तो इससे पहले तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो देखने के बाद उसे लाइक भी कर दीजिएगा सो हम चलते हैं हमारे पास इधर है सो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एक्सलेसन यानी यहाँ पर हमारे पास दो दो एक्सन सीवन आंदे और उसमें से हम उन्हें हमने सोल्व करना हो तो लाजमी सी बात हमारे पास एथ्स और बाई थी वैल्यू आ जाती है सो so, जो पहला सवाल है हमारे पास वो ये है जब हमारे पास एथ लीनियर में हो और एथ थर्ड्रेट में हो तो हम लीनियर वाले से यानी जिसकी पावर वन होती है उससे वैल्यू निकाल देते में पुट कर देते हैं और फिर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर वाला है पहले इन दोनों को तो एथेजन एट एथ कर लेते हैं ताकि बाद में तो यूज़ करना तो हमारे आसानी हो सो फ्रॉम टू एच माइनस वाई जितना टू फोर टू वाई टू एच उधर चला जाता पीछे पा जाता माइनस वाई वाई माइनस टू एच सो अब यहाँ पे हमें वाई माइनस में नहीं चाहिए हमें सिर्फ वाई से वैल्यू चाहिए सो दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करते थे माइनस वन से माइनस वाई इन टू माइनस वाई इन माइनस वन वाई इन टू माइनस वाई माइनस यहाँ पे हमारे पास एच्स है ये हमारे पास फोर है बोलते फोर वाई ला रहा था फोर माइनस फोर प्लस टू एच इसे हम सीधा कर लेते हैं टू एच माइनस फोर सो ये आद है हमारे पास उसके बाद हम ये वाली वैल्यू हम एशन टू में पुट कर देंगे टू हमारे पास इक्वेशन थ्री है इक्वेशन थ्री तो टू में रहे हैं सो ये आ जाता है हमारे पास टू एच स्टेयर माइनस फोर एच इंटू टू एच माइनस फोर माइनस वाई इंटू वाई स्टेयर हमारे पास तो इसी वैल्यू कर देते हैं सो ये अब हम होल लेते हैं टू एक्स स्टेयर माइनस एट एच स्र माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन माइनस फोर

माइनस सिक्सटीन और ये प्लस सिक्सटीन आते माइनस सिक्सटीन बन रहा है दे दी टू जीरो तो यहाँ पर हमारे पास तेयर है माइनस सिक्स एच माइनस फोर एच तय माइनस टेन एच तेयर बनता है हमारे पास देन सिक्सटीन एट्स प्लस सिक्सटीन एट्स हमारे पास थर्टी टू बनता है वो भी प्लस में और आधे हमारे पास माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्स हमारे पास बनता है माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो सो यहाँ से पूरी पूरीशन तो हमें एर्थ की वैल्यू हम पॉजिटिव में कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो so, इस पूरी तरह माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते यहाँ पे हमारे पास साइन हो जा चेंज हो जाएगा यहाँ पे प्लस से माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस इधर प्लस हो जाएगा अब हम इसे टू से सारी से डिवाइड कर लेते हैं ठीक हमारे पास डिवाइड होता है डिवाइड बाय

और यहाँ से हम माइनस वन समन ले रहे थे पीछे बता फाइव एथ माइनस इलेवन इजल टू जीरो सो यहाँ से हम फाइव एथ्स माइनस वन सामन ले इलेवन ले रहे थे पीछे बचाएगा एथ्स माइनस वन इजल टू जीरो अब हम इन दोनों से लहदा लहदा इक्वल दे देते हैं सो ये आ जाता फाइव एथ माइनस इलेवन इजीटल टू ज़ीरो एंड एथ्स माइनस वन इजल टू जीरो इलेवन स्टार्ट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई इधर आते डिवाइड हो जाएगा सो एथ वाली हमारे पास छः आ गई दूसरी वाली हमारे पास ये माइनस में आ जाती पॉजिटिव में आ जाएगा सो वन आ जाएगी सो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आधी हैं अब हमने जो ये थ्री लेट दी थी जो ये हमारे पास ये थी अब इसमें हम दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं एथ सी और हमारे पास वाई थी भी दो वैल्यूज आ जाती है एट एथ इजल टू वन वाई इज इक्वल टू टू इन टू वन माइनस फोर टू माइनस फोर विच इज इजल टू माइनस टू और एट एच सी जीत टू एलेवन बाई फाइव या आ जाता है हमारे पास वाई जित टू टू एलेवन बाई फाइव माइनस फोर या आ जाता ट्वेंटी टू बाई फाइव माइनस फोर इससे एल ले लेते हैं हमारे पास आ जाता वन मल्टीप्लाई बाई फाइव फाइव होता है और फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव ट्वेंटी होता है फाइव मल्टीप्लाई वन हमारे पास फाइव होता है ट्वेंटी वन तो भी हम फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में पास माइनस से साइन आ जाता है यह आ जा हमारे पास टू बाई फाइव सो सोलूशन सेट में हम वैल्यूज लिख लेते हैं जब हमारे पास एथ्स वन था तो वाई हमारे पास माइनस टू था और जब हमारे पास एथ एलेवन बाई फाइव था तो वाई हमारे पास टू बाई फाइव है और ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दूसरे में हमारे पास एच्स प्लस वाई जित टू फाइव एंड एथ स्टेयर प्लस टू वाई स्टेयर इज इल टू सेवनटीन सो पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं जी हमारे पास ये फर्स्ट इथोजेसन है और ये वाली सेकेंड इथोजे है यहाँ पर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम वन पहले वाली से एथ्स प्लस वाई इज इल टू फाइव है सो so, हम एथ इसी साइड पर आने देंगे और वाई तो साइड पर ले जाएंगे फाय यहाँ पे प्लस आता जाता है माइनस हो जाता, सो so, अब ये हमारे पास सिचुएशन थ्री है पुट थ्री एन टू सो ये हमारे पास बन जाएगा फाइव माइनस वाई होल स्टेयर प्लस टू वाई इज इसलिए टू सेवेंटीन यहाँ पे अब हम स्टेयर होल लेते हैं so, ये हमारे पास बन जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस टेन वाई प्लस वाई स्टेयर प्लस टू वाई इस्टेयर और प्लस में इधर आते माइनस सेवेंटीन बन जाएगा मैंने मैं जस्ट यहाँ पे फाइव माइनस वाई तो फाइव माइनस फाइव से मल्टीप्लाई दिया पहले इस UH फाइव से पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर माइनस फाइव से पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लेते उसके बाद इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस टू वाई स्टेयर हमारे पास थ्री वाई स्टेयर होता है माइनस टेन वाई y है हमारे पास वाई थ्री माइनस टेन वाई एंड प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन हमारे पास प्लस एट होता है सो अब हमारे पास ये टोजिशन आ दिया अब इसे हम सिंप्लीफाई लेंदे और यहाँ से y थ्री वैल्यूज निकाल लेंगे सो so, एट थ्री जो ट्वेंटी फोर होता है हमने ट्वेंटी फोर ऐसे दो फैक्टर्स बनाने जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ट्वेंटी फोर बनता है और डायर सब स्टेट करते हैं टेन माइनस टेन बनता है सो हमारे पास होता है ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाई टू हमारे पास ट्वेंटी फोर ही होता है और माइनस ट्वेल्व प्लस टू हमारे पास माइनस टेन ही होता है सी बन जाएंगे हमारे पास दो फैक्टर्स माइनस ट्वेल्व वाई प्लस टू वाई प्लस एट इजिकल टू जीरो यहाँ से हम थ्री वाई सम ले लें पीछे बच जाएगा वाई माइनस फोर और यहाँ से प्लस टू सम ले लें पीछे बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास इस फैक्टर से यहाँ पे वाई प्लस फोर आ रहा है यानी कि हमारे पास जो दो फैक्टर्स है ये बिल्कुल सही नहीं है हम तो ये फैक्टर्स अप्राई कर लेते हैं सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर होता है और माइनस सिक्स माइनस फोर हमारे पास माइनस टेन होता है सो अब हम ये दो फैक्टर अप्लाई करते देख लेते हैं थ्री वाई तो समन ले लें पीछे वाई माइनस टू बच जाता और माइनस फोर समन ले लें पीछे बच जाता वाई माइनस टू और ये फैक्टर्स ठीक है हमारे पास अब यहाँ से वाई माइनस टू सम ले लें पीछे ब जाता थ्री वाई माइनस फोर अब इन दोनों सेपरेट कर लेते हैं और कर लेते हैं यहाँ पे माइनस में इस साइड पर जाते प्लस में उठ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस फोर है उधर जाता तो प्लस फोर बन जाता और यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई उधर जाती डिवाइड हो जाता तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं वाई थी अब हम इसे पुट कर लेते हैं अपने इक्वेशन में जो थी हमारे पास थी एथ इज इजल टू फाइव माइनस वाई एट वाई इज इजल टू टू एच सी टू फाइव माइनस टू सो एच ईजल टू थ्री आ जाए हमारे पास एंड एट वाई जीटल टू फोर बाय थ्री एच ईजल टू फाइव माइनस फोर बाय थ्री सो यहाँ पे हम एल ले लेते हैं, यहाँ पे वन है वन थ्री ज़र थ्री होता है फाइव थ्री जर फिफ्टीन होता है और थ्री वन ज़र थ्री होता है फोर इसलिए ऊपर वाले से भी हमने वन से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाता है एलेवन बाय थ्री एथ्स इज इकल टू एलेवन बाई थ्री तो सोल्यूशन सेट में हम लिख लेते हैं जब हमारे पास वाई टू था तो एथ्स हमारे पास थ्री था थ्री और टू अरेंजमेंट का ध्यान रखिएगा पहले हम एथ्स वाली वैल्यू लिखते हैं फिर वाई वाली वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे देखें हमारे पास जब वाई टू था तो एथ्स थ्री था यानी थ्री और टू और यहाँ पर हमारे पास जब वाई फोर बाय थ्री था तो एथ्स इलेवन बाय थ्री है सो ये हमने कर लिया है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सो क्वेश्चन थ्री हमारे पास थ्री एथ प्लस टू वाई इजित टू सेवन एंड थ्री एथ स्टेयर इजित टू ट्वेंटी फाइव प्लस टू वाई इस्टियर सो यहाँ पर भी हम पहले इन इक्वेशन इन्हेंेशन एथोशन नाम दे देते हैं जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती और ये दूसरे वाली हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाती कि हम इसलिए करते हैं ताकि बाद में जब हमें यूज़ करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं किसी और से भी जो हमें इस सवाल तो से देखे तो उसे भी समझ आ रहे थे इसने ये इतना ली हुई है फिर ये ली हुई है सो तो इसलिए अब हम फ्रॉम वन से यानी पहले वाले टोजेसन से वैल्यू न लेते हैं हम यहाँ से वाइस वैल्यू न लेते हैं सो पहले हम एक दफ़ा इसे लिख लेते हैं दोबारा सर टीचर ये ना था नट्टा मारा हुआ था तो so, यहाँ पे प्लस थ्री एच उधर माइनस थ्री एच बन जाएगा यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होता है उधर आते डिवाइड हो जाएगा सो so, ये हमारे पास और वैल्यू अब हमने इस वैल्यू से तो टू में पुट कर लेना है पुट थ्री इन टू यानी सेक्शन थ्री में से जो हमने वैल्यू निकाली उसे हमने पुट करना है सेक्शन टू में सो थ्री एच इजिकल टू ट्वेंटी प्लस टू इंटू सेवन माइनस थ्री एच्स बाई टू होल स्टेयर सो इस पर अब आप मैं आपस से मल्टीप्लाई कर लूँगी स्टेयर ले लूँ दी इसका ये हमारे पास है टू ट्वेंटी फाइव टू सेवन माइनस थ्री एच सेवन माइनस थ्री एच्स तो इस पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेवन थ्री एज ट्वेंटी वन सेवन सेवन जर फोटी नाइन प्लस माइनस माइनस सेवन थ्री हज़ार ट्वेंटी वन एक्स अब इस माइनस थ्री एक्स तो इस पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस थ्री एक्स मल्टीप्लाई बस सेवन माइनस ट्वेंटी वन एक्स एंड माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस नाइन एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स जीरो तो ये हमारे पास बन जाता है फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी टू एच प्लस नाइन एच तो यहाँ पर हम फूट कर लेते हैं और पहले और यही लेते हैं थोड़ा सा इसे और नीचे भी हमारे पास तैयार है तो ये हमारे पास फ़ोर बन जाएगा टू वन जो टू 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 जरा फ़ोर तो ये हमारे पास और जाएगा नाइन एट्स तेर माइनस फोर टी टू एट्स प्लस फोटी नाइन बाई टू अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम सो एलसीएम हमारे पास टू ही होता इस नीचे वन है वन मल्टीप्लाई बाई टू टू होता है तो ऊपर वाले तो भी हम से दे। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे फिफ्टी टू मल्टीप्लाई वन टू ही होता है इसलिए हम ऊपर वाली सभी वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे सो ये हमारे पास सारी चीज तरह आ जाएगी सो हम इससे ये अब टू इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता थ्री एथ से मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स एथ्स तेरह बन जाएगा और यहाँ पे, so, हम थे। पे, so, पे हमारे पास है फिफ्टी प्लस फोर्टी नाइन हमारे पास नाइन्टी नाइन होता है नाइन एथ माइनस फोर्टी टू एच प्लस नाइन्टी नाइन सो अब हम ध्यान कर लेंगे इस साइड पर ले जाएंगे यहाँ पे जीरो रह जाएगा नाइन एथ माइनस सिक्स एथ माइनस फोर्टी टू एच प्लस नाइन्टी नाइन सो यहाँ से हमारे पास थ्री एथ स्टेयर बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास फोर्टी टू एच रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास नाइन्टी नाइन है सो so, अब हमारे पास हमें पता ही है सेशन तो थ्री से डिवाइड हो रही है सो so, हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी आसानी हो जाए सॉल्व करने में एथ जी माइनस यहाँ पे हमारे पास फोरटीन बन जाता है थ्री वन जो थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व एंड प्लस थर्टी थ्री सो यहाँ पर हमारे पास एलेवन मल्टीप्लाई पर थ्री हो तो हमारे पास थर्टी थ्री होता है और अलेवन माइनस इलेवन माइनस थ्री हो तो हमारे पास माइनस फोर्टीन बनता है जीरो टू एच एक्स माइनस थ्री और यहाँ से एलेवन थर्मन लेने पीछे पा जाता है एक्स माइनस थ्री यहाँ से तो हम एक्स माइनस थ्री तो थर्मन लेने पीछे पा जाए एक्स माइनस इलेवन सो यहाँ पे हम इसे अलहदा अलहदा कर लेते हैं x minus three or x minus eleven, x minus three इज इधल टू जीरो एंड एथ्स माइनस इलेवन इज इथल to जीरो सो ये minus three और start पे जा तो plus three बन जाएगा और ये minus eleven हाउस start पे जा तो plus eleven बन जाएगा अब हम वो वाली थे ले लेते हैं जिसमें हमने लेट दिया था वॉय equal to seven minus, so minus, minus three x by two. अब इन दोनों वैल्यूज से बारी बारी पूछते नहीं जाते हमारे पास बाय थ्री वैल्यूज भी आ जाए. At x equal to सो वाई जीतर टू सेवन माइनस थ्री इंटू थ्री बाई टू सो वाई हमारे पास आ जाएगा सेवन माइनस नाइन हमारे पास माइनस टू होता है बाई टू सो ये आप पीछे हमारे पास बच जाएगा वन सो माइनस वन इज ऑवर इज आंसर और अब हम एथ जीत टू इलेवन पर कर लेते हैं वाई जीतल टू सेवन माइनस थ्री इंटू इलेवन बाई टू सो ये आ जाएगा सेवन माइनस थर्टी थ्री ये हमारे पास इलेवन है वाई टू सो सेवन माइनस थर्टी सिक्स थ्री हमारे पास माइनस ट्वेंटी सिक्स होता है इसी तरह हम टू से डिवाइड कर लें तो माइनस थर्टीन बन जाता है सो ये हमारे पास वाई से भी वैल्यूज़ आदि हैं तो हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं जब हमारे पास एप्स थ्री था तो वाई हमारे पास माइनस वन आया और जब हमारे पास एप्स इलेवन था तो वाई माइनस थर्टीन आया तो हमने तीन क्वेश्चन कर लिए मुझे उम्मीद है आप तो ये तीनों क्वेश्चन समझ आ देंगे अगर आप तो मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो से लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दें और अगर आप ये वीडियो पसंद आई तो इसे दूसरे तौर पर लाजमी शेयर दीजिएगा मुझे तो इजाज़त अगली वीडियो में मिलेंगे अल्लाह हाफि